मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में अब तक हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में सीख चुके हैं कि एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड की कंसेप्ट से पहले, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की जो कंसेप्ट थी वो लेर्नर ने अपने हिसाब से हमें एक्सप्लेन किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि क्यों कोई एटम्स बॉन्डिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। और इसके अलावा कुछ एटम्स जो है वो शेयरिंग के थ्रू भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो शेयरिंग के थ्रू जब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो इस तरह बनने वाले बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड नाम देते हैं। उस कोवेलेंट बॉन्ड की कंसेप्ट लुईस ने एक्सप्लेन की। लुईस ने उसके हिसाब से अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन किया। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें देखा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए, किस तरह से आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। तो उस लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू आप जान सकते हो कि एक्चुअल में हुआ क्या है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ है, किस तरह बॉन्डिंग हुई है, किसके बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बनेगा, डबल बनेगा, वो सारी चीज़ें हम लुईस स्ट्रक्चर से जान सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आयनिक बॉन्डिंग की। तो देखो, आयनिक बॉन्ड नेम इंडिकेट करता है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो आयन्स के बीच में बनता है। ठीक है, और आयन्स हम जानते हैं केटायन और एनायन, डिफरेंट अपोजिटली चार्ज होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो, जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो उससे पहले हमें आयन्स बनाने होते हैं, एटम्स को आयन्स में कन्वर्ट करना होता है। एटम्स आयन्स में कन्वर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, के कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कौन गेन कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो केटायन की फॉर्मेशन करेगा, जो गेन करेगा वो एनायन की फॉर्मेशन करेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। क्यों गेन करेंगे? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही ये सारी बॉन्डिंग चलती है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग अच्छे से क्लियर करने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्डिंग को। तो देखो, अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज केटायन नेगेटिवली चार्ज एनायन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को आपसे पूछता है, आप बता सकते हो आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है केटायन और एनायन के बीच में? क्यों? क्योंकि अपोजिटली चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में होगा, ओके, जिसके थ्रू वो बॉन्ड बनाएंगे और उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड नाम देंगे। और जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आप समझ सकते हो, ठीक है, NaCl है, KCl है, MgCl2 है, ये आयन्स हैं। मैग्नीशियम अपने अकॉर्डिंग मेटल है, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। क्लोरीन आप जानते हो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एन्थैल्पी हायर है, तो इनके बीच में ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आप पहचान सकते हो देखकर कि कौन सा बॉन्ड आयनिक है, आप कंपाउंड को देख के भी पहचान सकते हो कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि किस तरह से आयन्स बनते हैं, कैसे एनायन बनेगा, कौन कौन सी एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व होगी, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। NaCl के एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, NaCl में सोडियम के पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का कॉन्फिगरेशन आता है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1। हम क्लोरीन की बात करें, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इनको देखकर आपको क्या लग रहा है कि सोडियम के ऑपरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैरी करना या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, समझ में आ रही है ये चीज़? ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, अपना ये आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसका जो इनर शेल है वो आउटर शेल बन जाएगा और उसका जो कॉन्फिगरेशन है वो स्टेबल ऑक्टेट का कॉन्फिगरेशन बन जाएगा, वहाँ से स्टेबिलिटी मिल जाएगी, समझ में आ रही है चीज़? फिर क्लोरीन है, ठीक है, 3s2 3p5, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा उस इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने लूज किया है, क्लोराइड आयन बनाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करवाने के लिए क्या करना होगा आपको, कौन सी एनर्जी देनी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो यहाँ आप दोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और किस तरह का कॉन्फिगरेशन आ गया उसके ऊपर, केटायन पॉजिटिव चार्ज हो गया, समझ में आई ये चीज, एनर्जी हमने दी इसको। फिर क्लोरीन Cl गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए कौन सी एंथैल्पी देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ से रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये रिलीज हुई। ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हुआ, Cl- में। ठीक है, केटायन बन गया, केनायन बन गया,
जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो टू प्रोवाइड देम स्टेबिलिटी, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी. ठीक है, उस एनर्जी को हम नाम देंगे लैटिस एनर्जी. इस एनर्जी को हमने नाम दिया लैटिस एनर्जी. ठीक है, क्योंकि लैटिस बन रहा है यहाँ पर. ठीक है, एक नेटवर्क बनेगा आयंस का और उसी की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम लैटिस एंथैल्पी कहेंगे. ठीक है, एनएसीएल के फॉर्मेशन के केस में जो एंथैल्पी रिलीज होती है वो 788 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी रिलीज होती है. यानी जब एक मोल एनएसीएल की फॉर्मेशन होती है तो रिलीज होने वाली एंथैल्पी 788 किलो जूल पर मोल होती है. ठीक है, तो यहाँ जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हम देखते हैं, ठीक है, आयन हमने देखा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी दे विल लूज हो गया इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड. ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बाद हमने देखा कि तीन तरह की एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थी. पहले थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, केटायन बनाने के लिए आपको देनी पड़ी. फिर थी इलेक्ट्रोकेन एंथैल्पी, एनायन में कन्वर्ट होने के बाद एनायन रिलीज की. फिर उसके बाद थी लैटिस एंथैल्पी जो कि नेटवर्क बना. ठीक है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है जो आयनिक कंपाउंड है उसका नेटवर्क बना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन का, और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हमने नाम दिया लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं लैटिस एंथैल्पी की. तो स्टूडेंट लैटिस एंथैल्पी हम अगर बात करें लैटिस एंथैल्पी की, तो देखो जब हमने आयनिक कंपाउंड फॉर्म किया तो एक मोल आयनिक कंपाउंड बनने पर जो एंथैल्पी रिलीज हो रही थी उसे हम लैटिस एंथैल्पी नाम दे रहे थे. अब मान लो आपको आयनिक कंपाउंड आपने फॉर्म नहीं किया, आपको आयनिक कंपाउंड बना हुआ मिला, तब आप कैसे डिफाइन करोगे लैटिस एंथैल्पी को? तो देखो उस एक मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने पर, ओके, टू कम्प्लीटली सेपरेट इट्स आयन, जो उसके आयन है उन्हें कम्प्लीटली सेपरेट कर दो, तो जो एंथैल्पी जो एनर्जी आपको देनी होगी उसे हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं. ठीक है, तो दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं लैटिस एंथैल्पी को. एक डेफिनेशन तो होती है लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when one mole of ionic compound is formed. ठीक है, एक तो हम इसकी इसको रिलीज फॉर्म में डिफाइन करते हैं, या फिर आप डिफाइन कर सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट वन मोल आयनिक कंपाउंड इन टू इट्स आयन. ठीक है, एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स हैं उनमें सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होती है उसे आप लैटिस एंथैल्पी नाम देते हो टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स. ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं लैटिस एंथैल्पी को. ठीक है, लैटिस का मीन्स होता है नेटवर्क. ठीक है, आयन्स का एक नेटवर्क होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बहुत ज़्यादा एक नेटवर्क सा बन जाता है आयन्स का. ठीक है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे कैसे लैटिस ये नेटवर्क बनता है. आप ये चीज़ समझो कि नेटवर्क बनने पर, लैटिस बनने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है या उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हो उसे आप लैटिस एंथैल्पी नाम दे रहे हो. ठीक है, तो इस तरह हम आयनिक बॉन्ड उसकी फॉर्मेशन और कौन कौन सी एनर्जीज हमें चाहिए होती है जब आयनिक बॉन्ड बनता है, कौन कौन सी एनर्जीज उसमें इन्वॉल्व होती है, वो चीज़ हमने डिस्कस करी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स को, आप इन्हें नोट डाउन करो. ठीक है, आयनिक कंसेप्ट, आयनिक बॉन्ड की कंसेप्ट हमारी यहाँ क्लियर होती है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.